इस वीडियो को नासा ने रिलीज किया है। ये राम सेतु है। इसे अमेरिकी भू वैज्ञानिकों ने एडम ब्रिज का नाम दिया है। जी हाँ, ये वही राम सेतु पुल है जिसे रामायण काल में भगवान राम की सेना में शामिल वानर शिल्पकार नल ने बनाया था। ये तकरीबन 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल था और तमिलनाडु के पंबन द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। अमेरिकी चैनल डिस्कवरी साइंस में नासा के इस वीडियो पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई जिसमें अमेरिकी भू वैज्ञानिकों ने माना है ये पुल कोई प्राकृतिक पुल नहीं बल्कि मानव निर्मित पुल है और जिसको बनाने का समय काल लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास है। जरा इस डेट को हम भगवान राम के समय से मिलान कर लेते हैं। भारत में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च की ताजा स्टडी में बताया गया है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में 10 जनवरी को 12:05 पर हुआ था। तो राम सेतु कब बना था इसे लेकर नासा और भगवान राम के समय काल में समानता दिखती है। अब जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि राम सेतु मानव निर्मित था या फिर किसी चमत्कार का परिणाम था। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 22वें सर्ग के श्लोक 45 से 77 तक में वानर शिल्पकार नल और उनके द्वारा बनाए गए राम सेतु पुल का जिक्र मिलता है। जरा वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 22वें सर्ग के श्लोक 45 को देखते हैं। अयम् सौम्य नलो नाम तनयो विश्वकर्मणः पित्रा दत्वरः श्रीमान प्रतिमान विश्वकर्मणः। यानी कि राम की सेना में नल नामक वानर है जो साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है और उसे अपने पिता से शिल्प कला की शिक्षा मिली थी। यानी कि श्लोक से पता चल रहा है कि वानर नल को आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग का पूरा नॉलेज था। अब श्लोक 46 को देखते हैं। एष सेतुम महोत्साह करोति मई वानरः तमः धारयिष्यामि यथा ओष पिता तथा। यानी कि समुद्र भगवान राम को बताते हैं कि ये वानर नल पुल निर्माण करने में अपने पिता के समान समर्थ है। इस श्लोक से साबित होता है कि नल के पिता विश्वकर्मा भी शिल्प कला यानी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट की विधा में बहुत निपुण थे और वो भी पुल बनाना जानते थे और पुत्र ने पिता से शिक्षा लेकर शिल्पकारी में निपुणता हासिल की थी। नलश्च के महासेतुम मध्ये नदनदीपते स तदा क्रियते सेतुर वानरै भोर कर्म भी। यानी कि नल समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। यानी कि नल ने समुद्र के बीचों बीच एक टेम्पररी बेस बनाया था जैसा कि आज के समय में समुद्र में पुल निर्माण के समय किया जाता है और इसी बेस से वो इस पूरे कार्य की निगरानी कर रहे थे। हस्ति मात्रान महाकायाः पाषाणाश्च महाबला पर्वतांश्च समुत्पाट्य यंत्रः परिवहन्ति च। यानी कि वानरों की टीम हाथी के वजन के बराबर बड़े बड़े चट्टान किसी यंत्र के माध्यम से लाकर समुद्र में डाल रहे थे। यानी कि इतने बड़े बड़े चट्टानों को किसी यंत्र के माध्यम से लाया जा रहा था जो आज की क्रेन के समान ही होंगे। यानी कि आज से 7000 साल पहले न केवल हमारे पास आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग का पूरा ज्ञान था बल्कि हमने ऐसे यंत्र भी बनाए थे जिनसे भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता था। जो लोग ये कहते हैं कि राम सेतु किसी चमत्कार से बन गया था उन्हें समझ लेना चाहिए कि राम सेतु कोई चमत्कार नहीं बल्कि उस समय की कुशल शिल्पकार वानर नल के दिमाग और इंजीनियरिंग कौशल का परिणाम था। और आज नासा की जिन तस्वीरों को हम देख रहे हैं ये वही नल द्वारा रचित राम सेतु पुल है जो हजारों सालों के बाद भी आज भी मजबूती से कायम है। प्राचीन हिंदुओं की इस इंजीनियरिंग कौशल को आपको जरूर सलाम करना चाहिए।